नमो नारायण मित्रों, मैं राहुलेश्वर स्वागत करता हूं आपका भाग्य मंथन में। मित्रों, हमारे द्वारा अपलोड नए वीडियोस की जानकारी प्राप्त करने के लिए भाग्य मंथन को आज ही सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर सेलेक्ट करें। जिन लोगों ने भाग्य मंथन को पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है, वो लोग भी अपना नोटिफिकेशन बेल का स्टेटस जरूर चेक करें। आज हम बात करेंगे जुलाई महीने के सिंह राशि फल के बारे में। सिंह राशि के स्वामी सूर्य 16 जुलाई को दिन में 4:23 पर मिथुन राशि से कर्क राशि में गोचर करेंगे, जो कि आपकी जन्म कुंडली का हानि स्थान है। मंगल 11 जुलाई को दिन में 2:57 पर मिथुन राशि से निकलकर अपनी नीच राशि कर्क में आ जाएंगे। बुध ग्रह 3 जुलाई सुबह 3:03 पर मिथुन राशि से कर्क राशि में गोचर करेंगे और एक बार फिर 21 जुलाई को सुबह 10:20 पर सिंह राशि में गोचर कर जाएंगे। शुक्र 26 जुलाई को शाम 5:06 पर वृषभ राशि को छोड़कर मिथुन राशि में आ जाएंगे, जो कि आपकी जन्म कुंडली का लाभ स्थान है। शनि इस समय वक्री होकर वृश्चिक राशि में रहेंगे, जो कि आपकी जन्म कुंडली का सुख स्थान है। जुलाई के महीने सिंह राशि के स्वामी सूर्य 16 जुलाई तक मित्र राशि मिथुन में होकर लाभ स्थान में है, जिसके चलते लाभों में वृद्धि होगी। इस समय धन संबंधी मामलों में मजबूती महसूस करेंगे, लेकिन 16 जुलाई के बाद जब सूर्य व्यय भाव में गोचर करेंगे, तब आपको धन संबंधी मामलों में बहुत सावधानी से निर्णय लेने हैं। इस समय अनाप शनाप खर्चे आपको भविष्य में बहुत परेशान कर सकते हैं। राहु का सिंह राशि के बिल्कुल ऊपर होकर लग्न स्थान में होना किसी ना किसी रूप से आपको परेशान रखेगा। राहु पर शनि की दशम दृष्टि वात संबंधी रोगों से परेशान रखेगी और इस समय आपका वजन भी तेजी से बढ़ सकता है। शुक्र की स्थिति इस महीने वृषभ राशि में है, जिसके चलते धन लाभ निरंतर होते रहेंगे और खर्चों का जोर अधिक रहेगा। शनि का वक्री होकर सुख स्थान में होना जहां एक तरफ वाहन सुख दिलवा सकता है, वहीं वाहन दुर्घटना का कारण भी बन सकता है। इस महीने अच्छे समाचारों के साथ साथ बुरे समाचार भी मिलेंगे। इस समय जल्दीबाजी में कोई भी कार्य न करें, अचानक से किसी लंबी यात्रा पर ना निकलें। 11 जुलाई के बाद आपके वैवाहिक जीवन में कुछ समस्याएं आ सकती हैं। इस समय आपको संयम से काम लेना होगा। मंगल ग्रह इस समय नीच राशि में होंगे और आपकी कुंडली में मंगली प्रभाव बनाएंगे। ऐसे प्रभाव के चलते जीवन साथी से नोकझोंक बढ़ने के योग बनते हैं। कुल मिलाकर सिंह राशि वालों के लिए जुलाई का महीना अच्छा है और सावधानी बरती जाए तो आप इसे और भी अच्छा बना सकते हैं। व्यवसाय के स्वामी शनि इस समय शत्रु राशि में वक्री होकर विराजमान है, परंतु फिर भी व्यवसायियों के लिए यह समय मजबूत स्थिति देने वाला होगा। वक्री शनि इस समय आपको लाभ दिलाने के पक्ष में है। इस समय उन सभी लोगों से तकाजा जरूर करें जो आपका पैसा लेकर बैठे हैं और देने का नाम नहीं ले रहे। बृहस्पति की पंचम और सप्तम दृष्टि इस समय आपके शत्रुओं और समस्याओं को दबाएगी और सफलता दिलवाएगी। नौकरी करने वालों के लिए भी यह समय अच्छा रहेगा, प्रयास तेजी से सफल होंगे और प्रमोशन की प्राप्ति भी हो सकती है। जुलाई के महीने में चंद्रमा 14-15 तारीख को आपकी चंद्र कुंडली के अष्टम भाव से गोचर करेंगे, इसलिए यह समय आपके अनुकूल नहीं है। इस समय पर आपको अपना बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। 22, 23 और 24 तारीख को किसी भी प्रकार के लेन देन को बहुत ध्यान से करें। इस समय पर चंद्रमा आपकी चंद्र कुंडली के हानि भाव से गुजरेंगे। ज्योतिषीय सलाह, जुलाई के महीने में प्रत्येक सोमवार को जल में चंदन मिलाकर शिवलिंग पर अभिषेक करें और ओम नीलकंठाय नमः मंत्र का जाप करें। जुलाई के महीने में सिंह राशि को
भाग्य मीटर पर 5 में से 4 अंक मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे ज्ञान यात्रा में। तब तक के लिए आज्ञा चाहते हैं, आपका जीवन शुभ व मंगलमय हो। नमो नारायण।